अब तक आप लोगों ने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, उसकी कंडीशन, उसके लॉस, और इस बेस पर हम डिफाइन कर रहे हैं क्या बेसिक फीचर ऑफ फोटोन पिक्चर, बेसिक फीचर्स ऑफ फोटोन पिक्चर। तो फोटोन, इससे पहले हम स्टार्ट करें थोड़ी सी यही इन्हीं चीजों की जो मैंने फीचर्स लिख रखे हैं पॉइंट वाइज, इन्हीं फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम। तो क्या हुआ कि जब हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, एमिशन हो रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अगर हो रहा था तो उस टाइम पे लाइट के रेडिएशन इंटरेक्ट कर रहे हैं मैटर से। मैटर कौन? मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस क्या है? एक मेटल, मतलब एक मैटर, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज मैटर। तो जब लाइट, लाइट जो अभी तक बोली नहीं जा रही थी कि वो एग्जैक्टली पार्टिकल है भी कि नहीं है, उसकी तरह बिहेव करेगी नहीं करेगी, लेकिन जब हमने देखा कि किसी मेटलिक सरफेस पर यानी किसी इलेक्ट्रॉन्स के, मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन यानी मैटर के साथ जब लाइट इंटरेक्ट करती है, लाइट के रेडिएशन इंटरेक्ट करते हैं, तो होता क्या है कि वो बिहेव कैसे कर रही है? पार्टिकल की तरह। क्यों कर रही है? क्योंकि जब वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है तो वहां पे सर्टेन एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, और किस फॉर्म में प्रोड्यूस कर रही है? एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में प्रोड्यूस कर रही थी। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब लाइट रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्शन के दौरान वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ड्यूरिंग द कोलिजन, तो ये सब कुछ पार्टिकल के बेस पर ही पॉसिबल है। क्योंकि अगर एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो तो वेव की टर्म्स में भी कर रहे थे, लेकिन वेव थ्योरी फेल हो चुकी थी। यहाँ पर बोला गया कि जो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं, और इन एनर्जी के पैकेट्स को, स्मॉलेस्ट पैकेट को बोल दिया गया क्वांटा, क्वांटा ऑफ लाइट, और हर एक क्वांटम, क्वांटा ऑफ लाइट को क्या बोल दिया गया? वन फोटोन, है ना। व्हाट इज फोटोन? द स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ फोटोन। सो इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर द रेडिएशन बिहेव एज दे आर मेड अप ऑफ वॉट? पार्टिकल्स। And these particles were called photons. Okay. जिस time पर ये photons हैं, तो जिस time पे भी ये strike करते हैं, तो हर एक photon की कुछ particular energy होती है, उनके पास कुछ particular energy होती है, कुछ particular momentum होता है, और हर एक photon किसी ना किसी speed से travel कर रहा होता है। Photon particle can never be at rest, और इसी वजह से उनका जो rest mass होता है इट कम्स टू जीरो। m0 को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? रेस्ट मास से। किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास m0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जनरली इसीलिए हम जनरल मास जिसको बोलते हैं दैट इज नॉट ये m, तो वो m रेस्ट मास नहीं कहलाता, ठीक है। तो m0 इज द रेस्ट मास कि जिस टाइम पे और किसी एनर्जी को आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो रेस्ट मास, रेस्ट मास एग्जिस्ट ही नहीं करता। फोटोन का रेस्ट मास निकल करके आता है जीरो। रीजन, जितने भी फोटोन है उनको बोला जाता है कि वो किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। और रेस्ट मास का जो फॉर्मूला दिया गया वो फॉर्मूला होता है जनरल मास इंटू 1 माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, एम मासिव ऑब्जेक्ट, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे फोटोन की बात करें तो फोटोन का मास अगर आप एम मान भी लो तो उसकी स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ फोटोन, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ फोटोन, v की वैल्यू आप जब यहां पे c सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? m अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, 1 माइनस 1 जीरो। m नॉट जीरो आना इस बात का सबूत है कि कोई भी फोटोन रेस्ट पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वन ऑफ देम, दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ फोटोन की फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन हर एक फोटोन एक पर्टिकुलर एनर्जी रखता है, मोमेंटम रखता है और स्पीड रखता है, ठीक है। जितने भी फोटोन है उनकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ जब आप लोगे, यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर, जो हमने एमिशन के दौरान देखे थे कि अगर आपने न्यू एनर्जी ली है तो उन सभी, चाहे लाइट इंटेंसिटी कितनी ले लीजिए आप, अगर जितनी भी लाइट की इंटेंसिटीज है, ये वन रेडिएशन, सेकंड रेडिएशन, थर्ड रेडिएशन, अगर सभी की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम है तो हर एक की एनर्जी भी सेम होगी। पर्टिकुलर कितने भी लाइट इंटेंसिटी, एंड इट मींस द एनर्जी मोमेंटम विल नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। अभी थ्री रेडिएशन है,
हर एक की एनर्जी की बात करें तो ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू, हर एक की एनर्जी एच न्यू आएगी। आपने अगर फोर्थ फिफ्थ एक और दो रेडिएशन डाल दी उसी एरिया पर और उनकी फ्रीक्वेंसी लेकिन आपने पर्टिकुलर ले रखी, यानी कि सेम ले रखी है या वेवलेंथ सेम ले रखी है, तो एनर्जी कितनी आएगी? अभी भी इजी को स्ट्रेच में। तो यही पॉइंट ये बता रहा है कि जितने भी फोटॉन्स हैं, लाइट के फोटॉन्स, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर वेवलेंथ पर सभी के सभी सेम एनर्जी पजेस करते हैं, इजी को स्ट्रेच में। और दूसरा फॉर्मेट क्या होता है? एस सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच न्यू या एस सी अपॉन लेमडा। आपको सभी को पता ही होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से वन अपॉन टी की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो क्या निकलेगा? सी बाय लेमडा इज इक्वल टू वन बाय टी। वन बाय टी की जगह क्या लिख दें? वन बाय टी मतलब न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा एस सी बाय लेमडा। तो हर एक की एनर्जी सेम रहेगी और किस पर डिपेंड नहीं कर रही कि आप हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप इस पर एमिट करवा रहे हो, इससे कोई फर्क, इंसिडेंट करवा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द फोटोन की एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। फिर नेक्स्ट फीचर इसका होता है कि जो फोटोन्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं तो उसके आसपास आप चार्ज रख दो तो ना चार्ज से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं ना रिपेल हो रहे। ठीक इसी तरह से दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब हुआ कि ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, अब हम पढ़ चुके हैं इतना तो कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आता है? मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज के वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जो फोटॉन्स बोले गए जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चल रहा है कि दे आर नॉट डिफ्लेक्टिंग बाय अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि इन अ फोटोन पार्टिकल, यानी कि फोटोन इलेक्ट्रॉन को जो हम कोलिजन करवा रहे हैं, तो इन अ फोटोन पार्टिकल या फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर ऑलवेज कंजर्व। हमने देखा ही था कि एच न्यू की करवाई, इसमें से मान लीजिए 100 जूल थी तो अगर 20 जूल वर्क फंक्शन में चला गया तो रिमेनिंग जो बाहर आ रहा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में बाहर आ रहा है, यानी कि 80 जूल। सो अगर ध्यान से देखें तो बिफोर टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन एंड आफ्टर कोलिजन जो पूरे सिस्टम की रही, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स और उनकी एनर्जी मिलकर के, वो हमेशा कंजर्व रहती है। तो फोटोन इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन के दौरान टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी और साथ ही साथ लीनियर मोमेंटम भी हमेशा कंजर्व रहेगा। हाँ, क्या चीज चेंज हो सकती है? केवल नंबर ऑफ फोटॉन्स, और वो इसलिए चेंज होते हैं, वो इसका नेक्स्ट पॉइंट में ले लेते हैं, सिक्स पॉइंट मान लीजिए उसको। तो सिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा कि जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उस पर नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी इंक्रीज कर दोगे, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ लाइट रेडिएशंस इंक्रीज कर दो उसी एरिया पर, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे और आपने इंटेंसिटी कम कर दी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। तो सिक्स पॉइंट क्या बता रहा है अगर इसके फीचर को देखें तो कि जो फोटोन इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन है, कॉलिजन के बाद जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं दैट वुड बी डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में भी लिख रखा है कि हाउएवर द नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व, लेकिन टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व बना रहेगा। दिस इज द बेसिक फीचर्स ऑफ फोटोन पिक्चर। कितनों को ये समझ में आ गया? अच्छा, इसी चीज के लिए आइंस्टीन को नोबल प्राइज भी मिला था 1921 के अंदर। और ये जो फोटोन पिक्चर था, ये सारा कुछ था कि क्या पार्टिकल नेचर वाकई है। कॉम्प्टन ने भी इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, कॉम्प्टन जिसने अपने फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसको कॉम्प्टन इफेक्ट बोलते हैं 1924 में, है ना, 1923 या 1924 के अंदर उसने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको कॉम्प्टन इफेक्ट बोला गया। बेसिकली क्या, एक्सरेज पर जब इलेक्ट्रॉन्स की शावर की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक किया जाता है एक्सरेज के साथ, तो जो एक्सरेज के फोटॉन्स थे वो स्कैटर हो रहे थे, तो कोई भी चीज डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, स्कैटर हो रहे थे।
है ना, दोनों में डिफरेंस है। मतलब एक तो है कि बिल्कुल जैसे चार्ज हो जाए, चार्ज तो पास में आया, दूर है तो भी यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन कोई चीज दो मासिव ऑब्जेक्ट जब आ रहे हैं तो उनका चार्ज, उनके पास चार्ज नहीं है तो टकराएंगे, टकराने के बाद ही इधर रेंडम डायरेक्शन में जा सकते हैं, इधर रेंडम डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो यहां पर यही सिचुएशन हो रही थी कि जब एक्सरेस फोटॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करवा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन तो मासिव ऑब्जेक्ट है ही सही, जब वो फोटोन से जा रहा था तो फोटोन्स, एक्सरेस के फोटोन्स स्कैटर हो रहे थे। सो ये चीज तभी पॉसिबल है जब क्या हो, कोई ना कोई कोलिजन हो दो मासिव ऑब्जेक्ट के अंदर। इसका मतलब एक तरह का पार्टिकल हो, मासिव ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब पार्टिकल नेचर हो, तो दो पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होने पर ही वो रेंडम डायरेक्शन के अंदर स्कैटर हो सकते हैं। तो स्कैटरिंग कॉम्प्टन इफेक्ट वॉज द इंक्रीज इन वेवलेंथ, इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ व्हेनेवर द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइड, देन देयर वाज इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटोन्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स वर स्ट्राइकिंग एंड देन एक्सरे फोटोन्स वर गॉट स्कैटर्ड। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉम्प्टन, जिसको कॉम्प्टन इफेक्ट बोलते हैं। तो उसने फर्दर आइंस्टीन का पार्टिकल नेचर को वेरीफाई कर दिया कि हाँ भाई लाइट को आप पार्टिकल नेचर की तरह सोचेंगे। तो वेव थ्योरी के बाद ये सारी चीजें आई और इसने फिर से लाइट को क्या कर दिया, ये बोल दिया कि भाई लाइट को आप अच्छे खासे, और कॉम्प्टन इफेक्ट को, कोलिजन के इफेक्ट को वेव नेचर पे समझाया नहीं जा सकता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी पे समझाया नहीं जा सकता। इस वजह से फिर से ये बोला गया कि यार नहीं, अब आप भले ही बोल लो कि हम पोलराइजेशन नहीं समझा पा रहे, डिफ्रेक्शन नहीं समझा पा रहे, लेकिन हम ये समझा रहे, वो नहीं समझा पा रहे, तो हम तो ये कहेंगे भाई लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर की। अभी तक ये सब कुछ हुआ और इसके लिए ही फिर किसको, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला कि उसने, उसका जो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इफेक्ट था। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसका हम प्लैंक कांस्टेंट फाइंड करेंगे। यहां तक सभी को क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिटरमिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट यानी h एंड वर्क फंक्शन। सो हम अब मैथमेटिकली कुछ डिस्कशन करेंगे जिसके बेस पर, मैथमेटिकली क्या कोई ऐसा प्रोसीजर जिसके बेस पर h, प्लैंक कांस्टेंट और वर्क फंक्शन को फाइंड आउट किया जा सके। इसके लिए जो मिलिकन था उसने एक्सपेरिमेंट किया था सोडियम पर और कुछ पर्टिकुलर चीज की वैल्यूज, नॉन वैल्यूज लेकर के उसने h और w नॉट ये फाइंड किया था। तो समझते हैं पहले कि किस तरह से हम इसको डिटरमाइन करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू, सिंस वी नो दैट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वेशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा ये याद रखना है, बहुत सी बार पूछा जाता है व्हाट इज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वन मार्क्स में बहुत सी बार पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब सब कुछ पता होता है लेकिन आप इस नाम से आप उसको याद नहीं रखते हैं, इस वजह से दिक्कत होती है। ध्यान रखें कि व्हाट इज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी थी एच न्यू इट वाज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स प्लस इट्स वर्क फंक्शन, ये इसके बराबर थी। वही प्रोसेस कि मेटेलिक सरफेस पर जो रेडिएशंस आप इंसिडेंट कर रहे हो, सो उसकी टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की और न्यू इज ग्रेटर देन टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर जो फोटोन था वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करता था, उसमें से वन ऑफ द पार्ट वॉज बींग कंज्यूम्ड एज अ वर्क फंक्शन एंड फिर रिमेनिंग पार्ट से ये बाहर आता था, और वही इसकी जिस भी एनर्जी से बाहर आता है वो इसकी क्या कहलाती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो एच न्यू कैन इज यूटिलाइज इन टू पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, फिर हमने ये भी सीखा था कि अगर एक पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल लें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है वो पोटेंशियल जहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अपोज कर दिया जाए, यानी कि इतना पोटेंशियल हम दे दें कि इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जो उसकी मोशन है उसका अपोज हो जाए, इतना नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर दे। इसका मतलब अगर जैसे जैसे मैं क्यू चार्ज
पे वी वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करूं तो उसका वर्क डन कितना होगा, क्यूवी। यही इसकी एक तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहलाएगी, है ना। तो यही इसकी एनर्जी भी कहलाएगी, क्यूवी जूल। तो अगर यहां पर हम वी नॉट पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो चार्ज कौन है, ई। जब ईवी नॉट अप्लाई करते हैं तो ये दैट मच एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए जिससे वो रुक जाए, खुद बताइए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 80 जूल से, अगर 80 जूल की काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो मुझे कितना इलेक्ट्रिक, कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल दूं कि टोटल एनर्जी कितनी आनी चाहिए, 80 जूल। तो 80 जूल ये जो आया, क्या इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, यस और नो? इतनी बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोले कि इफ वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर वी नॉट को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं इस सिचुएशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दैट इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट शुड बी इज इक्वल टू ईवी नॉट। तो यहां पर इक्वेशन वन में टू से सब्सटीट्यूट कर दें के ई मैक्सिमम की वैल्यू, सो बाय टू इंटू वन व्हाट डू वी गेट, एच न्यू इज इक्वल टू ईवी नॉट प्लस डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन। यहां से अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं, ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, ये डब्ल्यू नॉट उधर चला गया, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, ठीक। इक्वेशन थ्री बोलना चाहो बोलो, वरना इसको रहने देते हैं। यहां से अगर मैं वी नॉट फाइंड कर लूं तो वी नॉट इसको हटा देते हैं, चलो वी नॉट क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन ई माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। सो हमारे पास जो इक्वेशन आई है, इसी इक्वेशन को मैं फिर से लिख रहा हूं, हमारे पास रिलेशन क्या आया, वी नॉट इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, इसको बोल दी गई इक्वेशन नंबर थ्री। अगर एक ग्राफ मुझे बनाना हो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, वी नॉट के बीच में, इसका मतलब y एक्सिस पर हमने ले लिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल और x एक्सिस पर ले लिया है हमने फ्रीक्वेंसी, x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी हो गई y एक्सिस पर। तो अगर यहां पर ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी इज वर्किंग एज अ x, v नॉट इज वर्किंग एज अ y। तो हमें यह भी पता है कि स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो दी जाती है वो दो तरीके से दी जाती है, y इज इक्वल टू mx एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx इज दैट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन, व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन। एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c में जो ये c होता है, c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट कट ऑन, या इंटरसेप्ट का मतलब ही कटिंग ही होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, कि y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट हुआ है। तो ये इसकी इस तरह से कुछ कहलाती है। तो ये वाली जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड c, कि इस स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस पर कितना पोर्शन कट किया, कितनी लेंथ कट करी, उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। m इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन जिसको हम m से, या फिर, और वो स्लोप किसके इक्वल होती है स्ट्रेट लाइन में, जो उसका x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसका टेंजेंट, यानी कि tan थीटा, tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन।
ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर किसी को याद नहीं है, बायोलॉजी वाले जो लोग हैं वो ध्यान रखे, दीज आर टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स, y = mx ओरिजिन से पास होती है, mx + c, ये कुछ c इंटरसेप्ट जो कट कर रही है। अब c की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव में कट करोगे, मान लीजिए कहीं पे -2 लिख दूं, y = mx -2, तो इसका मतलब हुआ कि ये -2 पर कट हो रहा है, ये ओरिजिन है तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है -2, अगर मैं ऐसा लिखता y = mx -2 तो c की वैल्यू -2, इसका मतलब नेगेटिव y एक्सिस पर हमें 2 लेंथ का एक सेक्शन लेना है। ठीक है, दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ओके, तो अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करूं, y इज इक्वल टू mx + c, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि v नॉट किसका काम कर रहा है, y का, न्यू किसका काम कर रहा है, x का, तो ये पूरा का पूरा किसका काम कर रहा होगा, c का, और ये h अपॉन E, पूरा का पूरा किसका काम करना चाहिए, m का। तो इससे कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, straight line 4, what do we get? We get m slope of stopping potential versus frequency graph, slope of the graph simply, hai na? Okay, and it came yahan par comparison wise h upon e, ye first data ho gaya। ठीक है, सेकेंड डेटा लिखो, तो सेकेंड डेटा यहां पे लिखता हूं, सेकेंड डेटा इज सी, वाई इंटरसेप्ट इज माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। अब हमारा एम क्या है, फिर से देखें हम क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ, ये कहानी क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, और एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच and to find the value of W naught, that's the thing। हमें दिख रहा है कि इस equation में जो intercept cut होना चाहिए वो negative आ रहा है, तो negative y axis पर C intercept cut करती हुई एक straight line हो, ये बना दी मैंने straight line। Clearly यहां से यहां पर अगर ये origin है, ये x dash, ये y dash यानी कि minus y axis, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ आई, यहां पर ही क्या मिल रहा है आपको, माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, दैट मच। सो ये हो गया आपका माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन सी, वाई एक्सिस पर, नेगेटिव वाई एक्सिस पर कट किया हुआ इंटरसेप्ट। ठीक, अच्छा, स्लोप का मतलब, अगर ये स्लोप है तो ये इंक्लाइनेशन, तो अगर इसको थीटा बोल दो तो इसका टेंजेंट टेन थीटा। अब थीटा कैसे निकालें इस इक्वेशन में, तो हम ग्राफ से कैसे निकालते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, कोई से भी दो रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं एक ही लाइन पर। ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये भी होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है हमें। सो इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा, यानी कि ये वही इंक्लाइनेशन एंगल है। और यहां से भी हमने एक, तो हम एक तो लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ करते हैं y एक्सिस के पैरेलल, यानी कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें नजर आ जाता है, इसको नाम दे देते हैं a b c। तो जब आप किसी नोन चीजों के लिए ग्राफ बनाते हो, जैसे भी मैंने बोला था कि मिलिकन ने सोडियम के लिए किया, सोडियम की फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, तो जब उसको ग्राफ ऐसा मिल रहा था तो उसने क्या कर लिया, जब ग्राफ की वैल्यूज उसके पास आ चुकी हैं, यहां पर ये सारी वैल्यूज नोन चली रही होंगी, वो नोन वैल्यूज दे ही रहा होगा, और क्लियरली ये वैल्यू कौन सी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, यही इसी के बाद से क्या स्टार्ट होना है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो जब यहां से ये वैल्यूज नोन हो जाएंगी तो एसी लेंथ काउंट की जा सकती है और बीसी लेंथ भी काउंट की जा सकती है इसके रेस्पेक्ट में, कि कितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर कब हुआ, किस फ्रीक्वेंसी पर
इलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वन आ रहा है, किस ये न्यू वन पर आ रहा है मान लीजिए, न्यू ए पर आ रहा है, ये न्यू बी पर आ रहा है, तो इस फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आएगा, अलग फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और आएगा, ये वैल्यूज पता चल जाएंगी। इन दोनों का डिफरेंस आपको लेंथ बीसी की वैल्यू दे देगा और इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आपको एसी की वैल्यू दे देगा। तो यहां से अगर मैं बोलूं तो एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्लोप, और स्लोप का मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा अगर यहां पे बोलूं तो टेन थीटा कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एंगल है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इस राइट ट्राइंगल के अंदर अगर टेन थीटा बोले तो कितना निकल रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है यहां पर, बीसी अपॉन एसी, और इसकी वैल्यू क्या है, एच अपॉन ई। हमें फाइंड क्या करना है, एच मिल गया साहब, ई इंटू लेंथ बीसी अपॉन एसी, बोले तो ई इंटू डेल्टा वी नॉट, डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू एट कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ए बी जो हमने पॉइंट्स लिया उनके बीच में। सो ये वैल्यूज नोन, ये वैल्यूज नोन, ई चार्ज हमें नोन होता ही, इलेक्ट्रॉन है ना, 1.6 10 टू द माइनस 19 वी गॉट द वैल्यू एच। तो जब मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको भी वही मिली जो एच की एक्चुअल में वैल्यू होती है, उसी के पास 6.63 10 टू द माइनस 34 जूल सेकेंड्स। सो नॉन फ्रीक्वेंसीज पर जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाओगे अपने उस बैटरी से, उसको नोब को घुमाओगे, तो वो आपको इंडिकेटर से पता चल ही जाएगा उस पे कि आपने कितना एनोड पोटेंशियल लिया है नेगेटिव में। तो वी नॉट वन की वैल्यू पता होगी, वी नॉट टू की वैल्यू पता होगी, उनका डिफरेंस पता होगा, जिस फ्रीक्वेंसीज पे आपने काम किया वो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ये दोनों पता है, ई पता है, एच निकल गया। ये हो गया साहब प्लैंक्स की डिटरमिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। इसी तरह से जब ये सारी चीजें पता है तो ये वाली वैल्यू भी पता होगी, ये सारी की सारी, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, ध्यान से देखें, तो वर्क फंक्शन फाइंड करना है। तो अब ग्राफ जब यहां तक का बन चुका होगा तो इसको पीछे ही तो हमें लेकर के आना है, एक्सक्यूज मी, हाँ भाई देखिए यहां पर, सो वाई इंटरसेप्ट, अच्छा मैग्नीट्यूड वाइज ले ले, नेगेटिव तो बस ये बता रहा है ना, नेगेटिव एक्सिस पर, तो सिंपली अगर वाई इंटरसेप्ट इसको नाम दे दूं मैं, ये ओरिजिन तो ये ओ, और इस पॉइंट को बोल दूं डी, सो एक तरह से ओडी मैग्नीट्यूड वाइज डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, तो यहां से डब्ल्यू नॉट निकल गया, ओडी इंटू ई या ई इंटू ओडी, सो आप ओडी में बैठ करके जाए वर्क फंक्शन निकल जाएगा, डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन इज है ना वाई इंटरसेप्ट इंटू ई, सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट और डिटरमाइन द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर, ठीक है, कि वर्क फंक्शन की कितना कंज्यूम करेगा। तो ये कंज्यूम हो गया सर, क्योंकि हमें नहीं पता था ना कि कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कि एग्जैक्टली जो फ्रीक्वेंसी आपने ली कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी कि नहीं थी, तो आपने तो रैंडम फ्रीक्वेंसीज ले रखी थी, तो आपने तो पूरा एक्सपेरिमेंट की नहीं, रैंडम दो फ्रीक्वेंसीज पे किया, उससे आपको ये ग्राफ मिल गया और इसको आपने सीधा ज्वाइन कर दिया, इस तरह किया, तीन चार फ्रीक्वेंसीज लेकर के आपने काम कर दिया, और इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन बनी जाएगी अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू ए के रेस्पेक्ट में वी नॉट वन ऐसा है ना, या न्यू वन बोल देते हैं इनको, न्यू वन न्यू टू, ठीक है, फिर न्यू वन पर वी नॉट वन, न्यू टू पर वी नॉट टू, ये वैल्यूज एनोड पोटेंशियल, ये हम ले रहे हैं, ये मिलती जा रही है, न्यू थ्री पर वी नॉट थ्री, ये वैल्यूज मिल जाएंगी, तो एक्स वाई ग्राफ कैन इजिली बी प्लॉटेड, मिल गई, ग्राफ प्लॉट कर दिया, इधर नीचे बना दिया, चेक कर लिया, खत्म कहानी। सो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, सो दिस वाज दैट्स हाउ वी डिटरमाइन प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, डन फॉर टुडे।